तो गुसाई जी बैठे हैं और श्री गोविंद दास जी बैठ करके उनको पद सुना रहे हैं। तो गोविंद दास जी गाते गाते कोई राग गा रहे हैं, कोई स्वर गा रहे हैं, कोई पद गा रहे हैं, और गाते गाते बीच में रुक जाएं और ऐसे मोह बना के खाली स्थान पर कोई है नहीं उसको देखें और यूं कहें, ए ढंग से गा ले लाला, ऐसे कहा कर रहे हो तू, नहीं बढ़िया से स्वर लगा ले। सामने बैठे गुसाई जी बोले, ए गोविंदा, ये कौन को बार बार टोके तू बगल में? तो श्री गोविंद दास जी कहते हैं, जय जय ठाकुर जी बैठ के कान पे हाथ लगा के स्वर लगा रहे हैं, नेक्स्ट से गोपाल जी मेरे पीछे पीछे गा रहे हैं, लेकिन माने ना है, सब जाने अच्छो स्वर लगा में, लेकिन फिर वो जबरदस्ती अपने टेढ़े मेढ़े स्वर ने लगा रहे हैं, हमारे उनको फटकार रहा हूं, बताए रहा हूं कि नहीं ठीक थे गाओ। सामने बैठे गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए, क्यों गुसाई जी को नहीं दिख रहे थे। गुसाई जी बोले, गोविंद दास तुम कितने सौभाग्यशाली हो, ठाकुर जी का स्वर तुमको सुनाई देता है, ठाकुर जी अलाप लगाते हैं, राग रागनिया गाते हैं, तुम सुनते हो, कितने सौभाग्यशाली हो। हमें केवल इतना बताओ, ठाकुर जी को गायन कैसा है, ठाकुर जी कैसो गावे, ठाकुर जी को स्वर कैसा है। तो श्री गोविंद दास जी कहते हैं, जय जय ठाकुर जी बहुत मधुर गावे, बहुत मीठो गावे, बहुत रसीलो गावे, और कभी कभी तो नेक्से से लाल जी अपनी तोतली वाणी में जब ऊंचा स्वर लगावे खूब आनंद आ जाए फिर तो। लेकिन गुसाई जी बोले, लेकिन मतलब कहा कहना चाहो? तो श्री गोविंद दास जी बोले, लेकिन ठाकुर जी तो मधुर गावे, पर ठाकुर जी से भी ज्यादा मधुर हमारी श्यामा जी गावे, हमारी किशोरी जी गावे, लाल जी तो गावे, लेकिन किशोरी जी जब गावे कहाँ है तब तो आनंद ही आ जाए। एक सरस माधुरी जी का पद है, इतना सुंदर भाव है, श्री सरस माधुरी जी कह रहे हैं, वीणा ले के गावे रंगीली राधे, वीणा ले के गावे रंगीली राधे, वीणा ले के गावे रंगीली राधे, वीणा ले के गावे रंगीली। सब लोग गाओ, आज बाल लीला होनी है और अभी प्रारंभ करेंगे, पर महाराज जी ने आकर के और हमारे राधा बाबड़ी वाले महाराज जी ने आकर के अब छेड़ दियो मुझे, तो मैं क्या करूं, मैं का भाव जो आ रहे हैं उनको प्रणाम मात्र कर लूं। छवि को दर्शन करो, श्री किशोरी जी वीणा लेकर के बैठी हैं और गा रही हैं, सरस माधुरी जी वर्णन कर रहे हैं वाह रूप को, वाह स्वरूप को, वाह वातावरण को, कि किशोरी जी कैसे गा रही हैं। जय हो, सब लोग गाओ, वीणा ले के गावे किशोरी राधे, वीणा ले के गावे किशोरी राधे, श्याम रूप अभिराम अधर धर, श्याम रूप संगीतकार जब गावे
तबा के साथ संग में सहायक जो संगीतकार रहे में, ऐसे किशोरी जी जब गावे तो ठाकुर जी ने पीछे हटके बैठे संगीतकार बन करके, सहायक संगीतकार बन करके वंशी बजा में किशोरी जी के पीछे। श्याम रूप अभी रंग सो ललिता, ललित मृदंग, श्री ललिता जी मृदंग बजा रही हैं। ललित मृदंग रंग सो ललिता, जैसे अभी तबला बज रहा है मृदंग बजे, तो इसमें जो ये ताल बजती है इसको ठेका कहते हैं। श्री ललिता जी किशोरी जी गा रही हैं, पीछे सहायक बनकर के ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, दूसरी तरफ सहायक मृदंग लेकर के श्री ललिता जी मृदंग बजा रही हैं। गा रही हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, ललिता जी मृदंग बजा रही हैं, नृत्य कौन कर रहे हो है? सरस माधुरी जी स्वयं को उपस्थित कर रहे हैं वहां में, और कहा कह रहे हैं, सरस माधुरी निरतत सन मुख, सरस सरस माधुरी निरतत सन मुख, सरस माधुरी भाव बताई रिझावे, ओ भाव बताई वंशी सरस बजावे।
बाबा आपके यहाँ और दीदी के यहाँ मैंने बड़े सुंदर सुंदर चित्र देखे। अभी अभी एक चित्र मन में आ रहे हो है, किशोरी जी गा रही हैं, ठाकुर जी पीछे बैठे हैं, संगीतकार बन के वंशी बजा रहे हैं, ललिता जी मृदंग बजा रही हैं, दूसरी तरफ हाथ में मंजीरा लिए हमारे रसिका बाबा बैठे हैं और साथ में ही बड़े गुरुदेव भगवान बैठे हैं और सामने छोटे छोटे आप दोनों दीदी और मैं नाच रहे हैं। अब ये मुंह भेंट में चाहिए, ये चित्र बनवाओ आप।